कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला हमीरपुर में च्युइंगम पान मसाले बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते हमीरपुर जिला के सभी दुकानों को नोटिफिकेशन जारी करके हिदायत दी गई है कि अगले 3 महीनों तक इस प्रकार के किसी भी उत्पाद को ना बेचें और अगर दुकानदार नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी हमीरपुर अरिजीत सेन ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और इसका पालन न करने पर जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। एसपी हमीरपुर अरिजीत सेन ठाकुर ने कहा कि जिला में च्युइंगम पान मसाले बेचने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों को न मानने पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण के फैलने पे एक कारण च्युइंगम पान मसाला खाने के साथ थूकना भी माना जा रहा है और इसी के चलते अब जिला हमीरपुर ने सख्ती से इस फरमान को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। ये देखिए, जो इनकी बिक्री है पान मसाला और च्युइंगम वगैरह की, हालांकि पान मसाला उतना यहाँ पे खाया नहीं जाता है, इतना नेचुरल नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं इतना, पर फिर भी क्योंकि थूकने की टेंडेंसी इसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एहतियातन जो है ये इसकी बिक्री पे बैन लगाया गया है। तो आपके माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि कोई इस तरह की अगर चीज़ें च्युइंगम पान मसाला गुटखा इत्यादि जो अगर सेवन करते भी हैं तो उसको इधर उधर ना थूकें और ना ही ऐसी चीज़ें खरीदें, क्योंकि इस पे बैन जो है वो इम्प्लीमेंट करना एक दायित्व हो जाएगा। वो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि सभी का दायित्व है, ताकि जो ये वायरस है, क्योंकि जैसे हमको मालूम ही है म्यूकस थूक या इस तरह से जो है ये इसका फैलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, गंदगी फैलती है, तो ये एक इसके पीछे एक मंशा रही है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा इसका पालन करेंगे लोग।